सेक्टर 16 जाएंगे, सेक्टर 26 एक का 3 मिनट से, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं सर। तो कैसे हैं मेरे भाई सब, उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत दिन बाद रैपिडो किया है। मैं ये देखना चाहता था कि रैपिडो में कुछ बदलाव हुए हैं या पहले की तरह इनका हिसाब किताब है। तो मैंने कहा जब तक मैं खुद चेक नहीं करूंगा मुझे कैसे पता चलेगा कि बदलाव हुए या नहीं हुए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, कल या परसों मैं एक राइडर से मिला था और उसने मुझे बताया कि मैं अपने ऑफिस के किसी काम से निकला था और मैंने ऑफिस का एक लिफाफा देना था किसी को, तो मेरे पास रैपिडो ऐप थी, मैंने उस जगह का मतलब कि होम लोकेशन सेट करके और मैंने सवारी ले ली। वो बोल रहा था कि मुझे 40 किलोमीटर अपने ऑफिस के काम से एक पार्सल देने जाना था किसी को और छोटा सा पार्सल था, तो मैंने रैपिडो को ऑन किया और वो बता रहा है कि मेरे को बहुत बढ़िया राइड मिली थी। उसके बाद वापसी में जब मैंने वो लिफाफा ऑफिस का दे दिया था तो मैंने ऑफिस में झूठ बोल दिया था कि भाई मुझे यहाँ से जो है अपने मामा के यहाँ जाना है और मुझे कोई जरूरी काम है, और उसने फिर वहां से दोबारा से अपनी ड्यूटी को रेगुलर ऑन रखा और उसने बताया कि मैंने 900 रुपए की अर्निंग की है। यानी कि वो जॉब करता है तो अपनी जॉब से उसने एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसके बाद वो बोला कि मैंने रात को 9, 9:30, 10 बजे तक अपनी रैपिडो की ड्यूटी ऑन रखी, लगातार मैंने काम किया और उसने बोला कि मैंने इंसेंटिव बहुत अच्छा कमाया। तो यहाँ पर मैंने बहुत सी वीडियोस भी देखी है यूट्यूब पर जो रैपिडो को लेकर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हालांकि वो लोग ना, मैंने ये चीज देखी, वो लोग वीडियो बनाने के लिए सिर्फ एक आध राइड करते हैं और उसके बाद जो है वो कंपनी को गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। हकीकत यह है कि रैपिडो कंपनी के साथ अगर कोई बंदा रेगुलर काम कर लेता, मैं आपको बता रहा हूं रैपिडो कंपनी में इंसेंटिव जो होता है ना, वो आप चेक करना अगर आपके पास रैपिडो ऐप है तो इंसेंटिव अगर आप देखोगे तो आपको कोई कंपनी ऐसा इंसेंटिव नहीं देती है जितना इंसेंटिव आपको रैपिडो कंपनी देती है। और यहां पर आपको डेली इंसेंटिव भी देती कंपनी और वीकली इंसेंटिव भी देती है। तो होता क्या है कि जो ये यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बनाने के लिए एक राइड कंप्लीट करते हैं और उसी में ही वो पूरी तरीके से कंपनी को बुरा या भला बता डालते हैं, इससे उन राइडर्स, उन जो व्यूवर्स होते हैं उन पर इसका एक गलत इफेक्ट पड़ता है और वो किसी कंपनी को दोष दे बैठते हैं। और यहाँ पर हम लोग रेगुलर ये कहते भी हैं कि भाई कोई भी कंपनी खराब नहीं होती, किसी भी कंपनी के साथ आपका जो अनुभव है वो अनुभव खराब हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आज 3-4 राइड कंप्लीट की है। अनुभव की बात करूं तो मेरे पास आज एक 150 किलो का आदमी, 135 किलो का वो आदमी था जिसको मैंने लोधी गार्डन, लोधी कॉलोनी में छोड़ा था और वो बहुत ही भारी भरकम आदमी था। ये मेरी दूसरी राइड थी जिसमें मैंने भारी भरकम आदमी को छोड़ा था, और तीसरी राइड जब मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास तक पहुंच गया था। लोधी जो कॉलोनी थी, लोधी कॉलोनी से मैं लगभग आश्रम के पास पहुंच गया था, आश्रम से पहले मैं पहुंच गया था और वहां पर मेरे पास एक राइड आई थी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जिसको मदनपुर खादर छोड़ना था और मेरे को वो राइड लेनी थी नहीं, पर मैंने कहा अरे बज रही है मैं इसको चेक करूं। तो मैंने उसमें देखा कंपनी ने मुझे 95 रुपए सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव के दिए उस राइड के अंदर। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, 95 रुपए मेरे को सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने इसमें इंसेंटिव दिया। अब देखो बात क्या है कि बहुत से राइडर्स ऐसे हैं जिन्होंने रैपिडो को छोड़ दिया, वो लोग रैपिडो की ड्यूटी को ऑन ही नहीं करते और कंपनी अब इस बात को समझ गई है कि कंपनी जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रही है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करने से उनके पास कस्टमर तो आ रहे हैं पर उनको यह भी पता है कि हमारा जो बेस है वो राइडर है। अगर राइडर ही नहीं होगा तो चाहे वो कितना भी एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च कर ले कोई फायदा नहीं होगा। तो कंपनी को अब ये बात समझ में आ गई है कि भाई राइडर को पैसा देना स्टार्ट करो, एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्चा करना बंद कर दो। आज का मेरा रैपिडो के साथ जो अनुभव है वो बहुत ही बेहतरीन ना, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा और मैंने मुश्किल से मुश्किल 35 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई है जिसमें मैंने लगभग 5.5 किया। मैं आपको अपने आज की अर्निंग भी शेयर कर रहा हूँ, जबकि मैंने आज पोर्टर के साथ लगभग 850-900 रुपए का काम किया और मैंने अपने घर से पोर्टर की ड्यूटी ऑन की थी। पोर्टर का मैंने पहला जो पार्सल लिया था वो लिया था रिठाला का एक पार्सल लिया था 40 किलोमीटर का, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा लिफाफा था जो मैं रिठाला छोड़ के आया। रिठाला से मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ से अपने घर की वापसी की राइड ले लूंगा कहीं ना कहीं और मैं अपने घर चला जाऊंगा। तो
तो मेरा ये प्लान था कि मैं 2:30-3 बजे तक वापिस अपने घर आ जाऊंगा, पर वहां से मेरे पास राइड ही नहीं आ रही थी। और फिर मेरे पास एक राइड शो करी 550-570 रुपए के आसपास की, और वो ग्रेटर नोएडा की राइड थी। मैंने कहा यार इसको ले लेता हूँ। और मैं अब ये समझ गया था कि अब मैं 2:30 बजे जो घर जाने का प्लान बना के बैठा हूँ ना, वो प्लान मेरा कैंसिल हो जाएगा। वहां से मैंने उस राइड को एक्सेप्ट किया, ग्रेटर नोएडा गया। ग्रेटर नोएडा से मैंने ओला पर गो होम सेट किया, तो मुझे वहां से मुझे राइड मिली थी नोएडा सेक्टर 18 की। नोएडा सेक्टर 18 पहुंचने के बाद मैंने सोचा यार अब एक काम करता हूँ, रैपिडो को ऑन करता हूँ। रैपिडो को ऑन किया, सेक्टर 18 से ये वाली राइड ली जो आपने शुरू में क्लिप देखी थी। इस वीडियो को पूरा देखना और रैपिडो की ड्यूटी आप ऑन करके एक बार ट्राई करके देखना कि सही में आपको रैपिडो के साथ जो अनुभव नया है वो बदला है नहीं बदला। अब हमारे को यहाँ से जाना पिकअप लोकेशन पर, तो यहाँ पर गो टू पिकअप। अब चल कर देखते हैं कि हमारे को कहाँ लेके जाना होगा। छः सौ मीटर पर पिकअप है, रैपिडो की हमारी ड्यूटी ऑन है, कस्टमर हमारे को लेना है जाके। दो रूट दिखा रहा है, नोएडा के सेक्टर 18 के मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं और वहां से हमारे को एक सवारी लेनी है रैपिडो की। तो चलते हैं हम कस्टमर के पास। रैपिडो में अर्निंग बहुत अच्छी है, पर उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रैपिडो कंपनी को चलाना होगा, और किसी कंपनी में आपको झांकना भी नहीं है। तब आप आराम से रैपिडो के साथ अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे को मिलने वाला है हमारा कस्टमर। पर आई हैव अराइव कर देते हैं, अब हम अराइव हो गए हैं। तो यहाँ पर कॉल का ऑप्शन है हमारे पास, रावत जी हैं। खबर में डाल लेते हैं यहाँ पे। आप हो गए भैया, पीछे देखना, आपने बुक किया रैपिडो है? एक सेकंड हेलमेट निकाल लो, एक सेकंड। आपके पास OTP आया होगा? 3009। एक सेकंड रुकना भैया, एक सेकंड रुकना। बैठ जाइए भैया, 3009। हाँ ठीक है आपका। आपने बुक करी है भैया, किसी और ने बुक करी है? अरे भाई ने बुक करी है। हमारी वीडियो शूट हो रही है एक यूट्यूब के लिए, तो मेरी बाइक जो है वो रैपिडो में चलती है बराबर। तो भाई साहब नोएडा सेक्टर 18 से हमने भैया को पिक किया है, 1.5 किलोमीटर की ये राइड है। देखते हैं हमारे को रैपिडो इसमें क्या देने वाला है। वैसे नोएडा के अंदर ही बाइक राइडिंग करने का असली मज़ा है। अगर आप जैसे कि अगर इंसेंटिव के लिए काम करते हो रैपिडो के साथ, तब तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ओला और उबर जैसी कंपनी को मतलब कि आपको सिर्फ रैपिडो के साथ काम करना होगा, तभी आप अर्निंग कर पाओगे। और आजकल रैपिडो कंपनी आपको बहुत अच्छी अर्निंग करने का दावा करती है। जैसा कि फेसबुक पे रैपिडो का पेज बना हुआ है, तो उस पर मैं देखता हूँ रेगुलर, तो 11 रुपये किलोमीटर 12 रुपये किलोमीटर का रेट देने का दावा करती है रैपिडो। पर असल में राइडर क्या कमा रहा है क्या नहीं, ये तो रैपिडो का राइडर ही जानता है। और हम भी रेगुलर रैपिडो के साथ राइडिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने कमाया नहीं है। क्योंकि मैं भी जैसे किसी का रिव्यू लेता हूँ, पूछता हूँ किसी से कि रैपिडो कंपनी में भाई आप क्या अर्निंग कर लेते हो, तो मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जो भी रैपिडो राइडर जो रैपिडो के साथ ही काम करता है सिर्फ, उसकी अर्निंग मैंने बहुत अच्छी देखी है। हालांकि ऐसे बहुत से राइडर्स हैं जो रैपिडो के साथ साथ ओला और उबर भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मान लो अगर रैपिडो में राइड आ रही है तो वो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो रैपिडो की राइड को एक्सेप्ट नहीं करता है। जबकि जिसके पास सिर्फ रैपिडो की ही आईडी है, उसके पास
राइड को एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता। तो ज़्यादा कंपनी के साथ जब काम करता है कोई राइडर, तो वो किसी एक कंपनी को पूरी तरीके से समय नहीं दे पाता है, क्योंकि इसमें रैपिडो में आपको डेली इंसेंटिव, वीकली इंसेंटिव अलग अलग होते हैं, तो हम लोग कभी भी उसको नहीं ब्रेक कर पाते हैं, उनको नहीं हम तोड़ पाते हैं, जिस वजह से हम ज़्यादा अर्निंग तो नहीं कर पाते। और ये है कि आपकी लोकेशन ये है अंदर वाली अपोलो हॉस्पिटल ये रहा सामने करो। हाँ ये इसके पेमेंट वो देख लेता हूँ, चेक कर लूँ ना मैं, चेक कर लेता हूँ। हाँ ऑनलाइन है, ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन। 5 स्टार रेटिंग देते हैं भैया को। एक राइड हमने कंप्लीट करी है, नेक्स्ट राइड के लिए रेडी होने के लिए कह रहा है, तो नेक्स्ट राइड के लिए हम रेडी हैं। यहाँ पर हमारे को 22 रुपये मिले हैं इस राइड के, 1.5 किलोमीटर की राइड के 22 रुपये कंपनी ने हमें दिए हैं। तो आप समझ सकते हो कि 1.5 किलोमीटर के 22 रुपये खैर इतने कम नहीं है, पर यह है कि रेगुलरिटी इसके लिए आपको चाहिए कि रेगुलर आप अगर काम करते हो तो ही इसके साथ अर्निंग कर सकते हो, वरना अर्निंग नहीं हो पाती।